देखिए, मैंने ये अमचूर बनाया है। ये आपने इस तरह से बनाया है? नहीं बनाया है ना, तो आज हम बनाते हैं। चलिए फिर, क्या रुकना है। बढ़िया सी हरी हरी आमियाँ मंगवाइए, कैरी आमी, आप जो भी बोलते हो, और आप इन्हें बनाइए। ये सीक्रेट है मैंने कैसे बनाया है, एक नए तरीके से। आप भी देखिए और बनाइए आप भी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। साइड में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। हमने लिए हैं ये कच्ची कैरी आमिया या आमी, तो ये इनका हम बनाएंगे अमचूर। जिससे हम अमचूर पाउडर बनाते हैं ना, वही बनाएंगे। मार्केट से सस्ता और अच्छा भी पड़ेगा, कोई मिलावट नहीं होती है। तो हम पहले इन कैरी को छील लेते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसका ये इसको काट देंगे, डंठल साइड का लीजिए। अब हम इसे छीलेंगे। तो देखिए, हम ऐसे ही पूरी छील लेंगे। छीलने के बाद फिर हम आपको आगे का प्रोसेस फिर बताते हैं। देखिए, मैंने चारों छील लिए हैं, तो अब इनको हम काटेंगे। इनको हटा देते हैं और हम काटेंगे। देखिए, अभी मुलायम होते हैं तो ये कट जाएंगे आराम से। देखिए, इनमें ये अंदर का बीज भी कम होता है, एक जाली पड़ जाती है, तो फिर खटाई बनाते हैं। जो अमचूर पाउडर बनाने के लिए सुखाते हैं तो उनमें प्रॉब्लम होती है। तो लीजिए, अब इनको ऐसा बड़ा बड़ा आप काट देंगे तो देखिए, ऐसा काटने से क्या होता है, छोटे छोटे काटने से आप पीसेंगे बनाएंगे ना, तो ये जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। आप घर पर इन्हें आराम से मिक्सी में बना सकते हैं। ऐसे बारीक बारीक जब ऐसे छोटा छोटा आप काटेंगे ना, सूखने के बाद ही बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। तो अब हम ऐसे ही पूरी काट लेंगे। इसे अब 2 मिनट से ज़्यादा भी टाइम हो गया है, मैं कुछ और काम करने लगी थी। तो ये नमक का पानी है, इसमें बराबर ऐसे ही हम सुखा देंगे, तो ये इनमें सिकुड़न रहेगी, मुलायम रहेंगे, सूखेंगे नहीं, कड़क नहीं होंगे। तो ये मेरे ये पानी लिया है 2 गिलास, ये प्लेन है, इसमें नमक नहीं है। तो हमें अब ये नमक वाले पानी से निकाल कर ये हम प्लेन पानी में इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, इस पानी से हम 2 से 3 बार इसे धुल लेंगे, तो इनका नमक निकल जाएगा। फिर ये सूखने के बाद भी ये काली नहीं पड़ेंगी। तो हमने 2 से 3 पानी में धुल के इनका पानी निकाल के फिर आगे का हम दिखाते हैं। देखिए, तो ये मैंने पूरी काट ली हैं। अब हमें इनको धुलना है, हमें ऐसा बनाना है कि ये काली ना पड़े, तो इसके लिए मैंने ये पानी लिया है, और इस पानी में मैंने ये थोड़ा सा नमक डाला है, नमक डाल दिया। नमक को हम घोल लेते हैं। तो नमक हमारा घुल गया है। आप सोच रहे हैं नमक क्यों डाल रहे हैं, तो नमक इसलिए डाल रहे हैं, अभी हम आपको आगे बताते हैं कि नमक में हम ये सारी जो हमने कैरी काटी है ना हमें, इनको हम डाल देंगे। और इनको 2 मिनट इसी में हम छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी कैरी ये बाद में काली नहीं पड़ती हैं। तो आप सोच रहे होंगे काली तो नहीं पड़ेंगी, पर ये इनमें नमक है तो ये बराबर इनमें सीलन रहेगी। नहीं, उसका भी हमें आपको बताते हैं आगे कि हमें क्या करना है। 2 मिनट हम इनको ऐसे ही पानी में छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे का हम आपको बताते हैं। देखिए, ये धुल ली हैं हमने, ये धुल चुकी हैं, और इनको हम अभी धूप में रख देंगे। इन्हें अच्छी धूप चाहिए, कड़क धूप। ये धूप में 2 से 3 दिन लग जाएंगे इनको सूखने में, और इन्हें अच्छी धूप मिलेगी तो इनका अब बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा। और ये छोटी छोटी काटने से क्या होती है, हमें जब हम पाउडर बनाते हैं ना अमचूर, तो हमें आराम रहता है इनमें, ये जल्दी ही महीन हो जाती हैं बारीक। बड़ी बड़ी करेंगे तो वो देर में टूटती हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते। इनको हम अपने हाथ से अपने घर में ही बना सकते हैं, इस शुद्ध अमचूर का पाउडर बन जाएगा, और सस्ता भी, मार्केट से सस्ता भी मिलता है। तो इसलिए, और इस समय इनमें गुठली नहीं होती है, तो इसलिए हमें ही बना के रखना चाहिए। यदि आप यूज करते हैं, यूज तो वैसे सभी करते हैं, किसी ना किसी चीज़ में तो हमें ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसलिए मैंने ये अमचूर पाउडर बना उनके लिए मैंने ये आमियाँ काट के डाली हैं। धूप में डालेंगे इनको, और आप कम या ज़्यादा
ये नहीं है कि अब मैंने इतनी बनाई तो आप ज़्यादा की भी बना सकते हैं और कम की भी बना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ ही दिखाया कि हम ऐसा करने से हमें हमारी अमियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो अब हम इन्हें धूप में दिखाएंगे, जब ये सूख जाएंगे उसके बाद फिर हम इन्हें देखते हैं। देखिए, सुबह इनको हमने धूप में डाला था काट के, इतनी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, देखिए इतनी पतली, बिल्कुल छोटे टुकड़े हो गए हैं इनके, छोटे छोटे डाला, सूखने के बाद और भी हो गए हैं। तो ये एक दिन में सूख के तैयार हो गए। आप इन्हें मोटे बनाते या बड़े बड़े बनाते, जैसे हम आमचूर बनाते हैं, तो वो एक दिन में नहीं सूखते, ये सूख के तैयार हो गए हैं। देखिए ये बड़े बड़े थे ना, तो ये अभी सूखे नहीं, अभी तक नहीं सूखे हैं। देखिए ये ऐसे रखेंगे गीले, इनको अभी 2 दिन का टाइम और लगेगा। और इन्हें मैंने नमक से नहीं धोया था, नमक के पानी से। तो देखिए इनका कलर कैसा है, काले काले हैं। इनको नमक के पानी में डाला था मैंने, थोड़ा सा नमक डाला था और उसमें ये डाल दिए थे। तो देखिए, और फिर धुले भी 2-3 बार, 2-3 पानी से धुल लिया, ताकि नमक का टेस्ट भी नहीं रहा इनमें, और ये हमारी अमचूर वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए, इनका अच्छा कलर हो गया। और छोटी छोटी काटी तो ये सूख भी जल्दी गए हैं, और हमने मिक्सी की जार में पीस सकते हैं तुरंत, हमें कोई ज़रूरत है तो हम इन्हें तुरंत पीस सकते हैं। बड़े हों तो हमें उसके लिए या तो हमें बाहर से पिसवाना पड़ेगा, या हमें खल की, बड़े वाली खल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम अपने मिक्सी के मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हैं। तो हमारा ये अमचूर तैयार हो गया है, हम इसका पाउडर बना सकते हैं, सस्ता और शुद्ध मिलता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।